हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार परवल की सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं। मसालेदार परवल की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम परवल, मीडियम साइज़ की कटी हुई 3 प्याज, मीडियम साइज़ के कटे हुए 2 टमाटर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काजू और नारियल। सबसे पहले हमने जो परवल लिए हैं उनकी किनारियों को निकाल लेंगे। इसी के साथ हम परवल को हल्के हाथों से स्क्रैच करेंगे। इस तरह से हमें परवल को स्क्रैच करना है। ध्यान रहे कि हमें परवल को छीलना नहीं है। परवल को स्क्रैच करने के बाद हम इस पर दोनों तरफ इस तरह से कट्स लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सारे परवल को अच्छे से स्क्रैच करके उन पर दोनों तरफ कट्स लगा लिए हैं। एक पैन में 1/4 कप तेल गरम करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। इसी के साथ कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और काजू और इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकालने के बाद ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक कुकर में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा सा जीरा और ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर लो फ्लेम पर इन्हें भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। आप देख सकते हैं कि हमने जो नारियल लिया था उसका पेस्ट बना लिया है। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढक कर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। लो फ्लेम पर ग्रेवी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे परवल। मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करके इसे ढक देंगे। हमने परवल को 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। इसी के साथ ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो खाने के लिए तैयार है मसालेदार परवल की सब्जी। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी
तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।